बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड बार ग्राफ एंड इट्स टाइप्स। द थर्ड वन टाइप वाज रिमेनिंग व्हिच वाज सेगमेंटेड बार ग्राफ। सेगमेंटेड बार ग्राफ कैसी होती है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक सेगमेंटेड बार ग्राफ है। यहाँ भी बार ही हैं लेकिन यहाँ डिफरेंस बस ये है उसमें, पहले में और इसमें, कि यहाँ पर जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं वो 100% शो की जाती हैं। कैसे 100% शो की जाती हैं वो हम मिसाल से समझते हैं। जैसे ये एक ग्राफ बनाया गया है, किसी क्लास में टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ, उस क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स थे, कुछ ने बैडमिंटन में हिस्सा लिया, कुछ ने वॉलीबॉल में और कुछ ने बास्केटबॉल में हिस्सा लिया। तो कितने कितनों ने हिस्सा लिया उस पर ये बार ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बॉयज़ और गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी तादाद है, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रही है हर मैच में, किसी में कितनी किसी में कितनी, ज़ाहिर ही चेंज हो सकती है। जबकि बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं जो चेंज नहीं होती। तो ये वैल्यूज़ उसने 100% शो की हैं। 100% क्यों शो की हैं? जैसे नज़र आ रहा है यहाँ पर, हमें नीचे एक्स एक्सिस में देखते हैं तो 100% जहाँ लिखा हुआ है, तो तीनों बार्स 100% तक पहुँची हुई हैं। कैसे इसने शो की हैं इसको समझते हैं हम। यहाँ पर ये टेबल उसने बनाया है। अब इस टेबल के अंदर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन, सबसे नीचे बैडमिंटन है, बैडमिंटन को देखते हैं। अब बैडमिंटन में इसने 10 बॉयज़ हैं और 10 ही गर्ल्स हैं, 20 टोटल पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स दोनों बराबर हैं, 50-50% दोनों हैं। तो बैडमिंटन वाली बार जो है वो सबसे ऊपर है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ग्रीन कलर जो है वो बॉयज़ के लिए है और रेड कलर, तो जो बॉयज़ के लिए कलर है, जितना एरिया बैडमिंटन में हमें नज़र आ रहा है वो ग्रीन कलर ने कवर किया हुआ है, उतना ही एरिया रेड कलर ने कवर कर रखा है। तो ये शो करता है कि दोनों की तादाद बराबर है, दोनों 50-50% हैं, यानी कि 10 कैंडिडेट वहाँ हैं, 10 कैंडिडेट गर्ल्स के हैं। तो यूँ टोटल 20 हो गए, और टोटल 20 हो गए, ये 100% है। ज़ाहिर है बैडमिंटन में अब हिस्सा लेने वाले 20 लोग हैं, तो 20 को हम कहेंगे कि ये 100% वैल्यू है। तो इस वजह से यहाँ ये वैल्यू 100% तक गई हुई है। तो नेक्स्ट आती है वॉलीबॉल, लिखा हुआ है वहाँ पर भी 15-15 लोग हैं, तो मीन्स दैट 50-50% 30 बच्चे हैं टोटल, तो टोटल 30 हुए, तो टोटल 30 को हम कहेंगे 100%, और जो 50% आया वहाँ तक जो है वो 50% ही बॉयज़ हैं और 50% ही गर्ल्स हैं, यानी कि 15-15। अब देखें बैडमिंटन में अगरचे तादाद 20 थी तो उसकी बार भी उतनी ही बड़ी, और वॉलीबॉल में तादाद अगरचे 30 थी तो उसकी बार भी उतनी ही बड़ी, क्योंकि वो 100% है, 100% बॉयज़ में कैंडिडेट उसमें आए हुए हैं। तो और दोनों में ही 50-50% बॉयज़ और 50-50% गर्ल्स हैं। नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में हम देखते हैं कि 15 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं, टोटल 25, तो मींस दैट ज़्यादातर हिस्सा बॉयज़ का है। तो यहाँ पर बास्केटबॉल में सबसे नीचे वाली बार हम देखते हैं, यहाँ इस बार में ग्रीन कलर ज़्यादा फैला हुआ है और रेड कलर कम है, तो ये जाहिर करता है कि गर्ल्स की तादाद कम है, और टोटल पार्टिसिपेंट वो 25 हैं, तो 25 बास्केटबॉल में हैं, तो ये बास्केटबॉल के 100% हुए,
इस वजह से ये तीनों बार उसने इक्वल ली हैं। तो ये है तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं ग्राफ, सेगमेंटेड बार ग्राफ। लिखता है ए टाइप ऑफ स्टैक्ड बार चार्ट वेयर ईच बार शोज 100% ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। कहता है कि ये बार चार्ट, स्टैक बार का बार चार्ट की ऐसी टाइप है जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू जो है वो 100% शो होती है। दे शुड रिप्रेजेंट 100% ऑन ईच ऑफ द बार आर एल्स इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑर्डिनरी स्टैक्ड बार चार्ट। कहते हैं कि सेगमेंटेड बार ग्राफ के अंदर हर एक को 100% डिस्क्रीट वैल्यू को 100% बार शो करनी चाहिए। अगर वो 100% शो नहीं करता तो फिर वो आम जो है वो स्टैक बार चार्ट ही कहलाएगा। तो ये स्टैक बार चार्ट की टाइप है दूसरी, सेगमेंटेड बार चार्ट। फॉर मोर ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राफ, मज़ीद इसमें कहता है, ये दिखाया हमें ग्राफ, ए सेगमेंटेड बार चार्ट इज़ वन काइंड ऑफ स्टैक बार चार्ट। कहता है कि सेगमेंटेड बार ग्राफ जो है वो स्टैक बार ग्राफ की एक टाइप है। बट ईच बार विल शो 100% ऑफ द डिस्क्रीट वैल्यू, लेकिन हर बार जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू की 100% को शो करती है। फॉर एग्जांपल, देर आर टोटल ऑफ 40 स्टूडेंट इन योर क्लासरूम। मिसाल के तौर पर 40 बच्चे हैं आपकी कमरे क्लासरूम में। आउट ऑफ देम 25 स्टूडेंट्स लाइक बास्केटबॉल, जबकि उनमें से 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो बास्केटबॉल को पसंद करते हैं। 30 स्टूडेंट्स वॉलीबॉल को एंड 20 स्टूडेंट लाइक बैडमिंटन को। दे आर 25 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स इन द क्लास। क्लास में टोटल कहता है कि 25 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं। द डाटा अमंग द वर्टिकल साइड ऑफ द बॉक्स रिप्रेजेंट सपोर्ट्स, जो वाई एक्सिस है वो सपोर्ट्स को शो कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर इसने दिखाया है। सपोर्ट्स जो हैं यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, उनको शो कर रहा है। वाइल द हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट्स ए सर्टेन परसेंटेज, जबकि जो हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है वो परसेंटेज को जाहिर करता है फॉर द ईच ऑफ द स्पोर्ट। हर स्पोर्ट में ईच बार विल शो द प्रेफरेंस ऑफ ईच सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। हर बार जो है वो शो करती है कि उसमें पार्टिसिपेंट्स, उसको पसंद करने वाले, उसको लाइक करने वाले बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। एंड बार विल बी सेपरेटेड बाय स्टैक्ड ऑर्डर, और उन बार को सेपरेट किसी कैसे किया गया है, स्टैक ऑर्डर के अंदर उनको सेपरेट किया गया है, एक के ऊपर दूसरी बार रखी गई है। रिप्रेजेंटिंग वन ग्रुप फॉर द बॉयज़, जिसमें एक ग्रुप बॉयज़ को एंड अदर फॉर द गर्ल्स, और दूसरा ग्रुप गर्ल्स को जाहिर करता है, जैसा कि इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि इसमें ग्रीन कलर जो है वो बॉयज़ के लिए एलोकेट किया गया है और रेड कलर जो है वो गर्ल्स के लिए एलोकेट किया गया है। तो इस तरह ये सेगमेंटेड बार चार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें और पहले वाले में सिर्फ डिफरेंस यही है कि यहाँ डिस्क्रीट वैल्यू जो है वो 100% शो की जाती है, जबकि स्टैक्ड बार ग्राफ में 100% डिस्क्रीट वैल्यू नहीं हुआ करती, वहाँ पर कम या ज़्यादा होती है। वहाँ पर अगर हम इसे यूँ देखें कि अगर ये परसेंटेज में ना होता बल्कि ये तादाद में होता, कि नीचे जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते एक्स एक्सिस में, बजाय इसके कह रहा यहाँ पर परसेंटेज लिखी हुई, यहाँ पर एक्स एक्सिस में अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देते तो फिर ये ग्राफ ऑटोमेटिकली स्टैक बार ग्राफ बन जाता। कैसे बन जाता? अब जहाँ जैसे यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया जाता 30 लिख दिया जाता यहाँ पर। तो अब क्या होना था, वॉलीबॉल की जो लाइन है, जो बार है, वो यहाँ 30 तक, यहाँ तक तो होती, जबकि जो
जहाँ पर 80% लिखा हुआ यहाँ लिख दिया जाता 25। तो बास्केटबॉल वाली जो लाइन है वो यहाँ 80% वाली लाइन तक होती, और इसी तरह जहाँ 60% लिखा हुआ यहाँ लिख दिया जाता 20। तो यूँ बैडमिंटन वाली जो बार है वो यहाँ तक होती मुकम्मल, तो वो और उसमें से कलर कोडिंग करके सेपरेट किया जाता गर्ल्स और बॉयज़ को। तो यूँ फिर ये ऑर्डिनरी जो आम जो स्टैक बार ग्राफ है ये वो बन जाता। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो सेगमेंट जो डिस्क्रीट वैल्यू है वो परसेंटेज में 100% तक शो की जाती है, जबकि वहाँ पर इस तरह नहीं होता, वहाँ परसेंटेज में शो नहीं की जाती। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।